संतों के साथ 15 अगस्त को माता कलीसिया कुंवारी मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। कुंवारी मरियम के स्वर्गारोहण की कहानी इस प्रकार से है। संत पापा पीयूष 12वें ने 1 नवंबर 1950 में मरियम के स्वर्गारोहण की विश्वास की सिद्धांत को इस प्रकार से घोषित किया है कि यीशु की माता पूर्ण रूप से पवित्र और निर्दोष थी। कुंवारी मरियम के सांसारिक जीवन पूरा करने के बाद उनके शरीर तथा आत्मा के सहित स्वर्ग में ले ली गई। इसी सिद्धांत को संत पापा ने अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और कलीसिया के चुने हुए सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद घोषित किया। स्वर्गारोहण का सिद्धांत हमें 6वीं शताब्दी से ही देखने को मिलता है। आगे के शताब्दियों में हम देखते हैं कि पूर्वी कलीसिया इस सिद्धांत पर दृढ़ रहे, लेकिन पश्चिम के कुछ लेखक इससे सहमत नहीं थे। तथापि 13वीं शताब्दी तक संपूर्ण कलीसिया में यह पर्व धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगा। धर्मग्रंथ में मरियम का स्वर्गारोहण का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में अच्छाई और बुराई के बीच के लड़ाई में फंसी हुई एक स्त्री के बारे में लिखा गया है। बहुतों ने इस महिला को ईश्वर की प्रजा के रूप में देखते हैं। हालांकि मरियम दोनों पुराने और नए विधान के लोगों के स्वरूप हैं। उनके स्वर्गारोहण सब स्त्रियों की विजय का उदाहरण है। इस पृथ्वी पर माता मरियम यीशु के इतने करीब थी कि वे स्वर्ग में भी शरीर और आत्मा में उनके साथ होगी। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर।